दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट्स 12th बोर्ड के लिए वेटेज वाइज सबसे बड़ा यूनिट है। इस यूनिट को अगर 100% स्कोर करना है तो हमें पढ़ने की स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट रखना होगी। सबसे पहले कवर करना होंगे हमें सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, देन स्ट्रक्चर एंड देन थियोरिटिकल एंड रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के साथ। ये वीडियो लास्ट मिनट तक आपको देखना है, प्रॉपर फॉलो करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स बिगिन। तो गाइज जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे सेंट्रल बोर्ड के सिलेबस में अगर हम देखें तो 16, 17 और 18 ग्रुप आ रहा है, 15 ग्रुप को एक्सक्लूड कर दिया गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें 16 ग्रुप के जितने रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस करना है। तो मैं पहले 16 ग्रुप के रिएक्शंस स्टार्ट कर रहा हूं और यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं SO2 के रिएक्शन से। तो आप लोग देख सकते हो SO2 के रिएक्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले SO2 का हम लोगों को पढ़ना है एसिडिक नेचर। तो दोस्तों एसिडिक नेचर पे भी कई बार हमारा क्वेश्चन बन जाता है। एसिडिक नेचर शो करने के लिए हम SO2 का रिएक्शन कर सकते हैं H2O के साथ। अगर हम SO2 और वाटर को मिला देंगे तो यहां पर बन जाएगा H2SO3 और हम लोग जानते हैं H2SO3 का नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 इज नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। अगर हम लोग SO2 का रिएक्शन एक एल्केलाइन केमिकल NaOH के साथ करा दें, ये एक बेस है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ SO2 बेस से जब रिएक्ट कर रहा है तो एसिडिक नेचर शो करेगा और SO2 जब NaOH से रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम सल्फाइट Na2SO3। आप लोग देख सकते हो अगर हम SO2 का रिएक्शन वाटर से करेंगे तो सल्फ्यूरस, NaOH से करेंगे तो सोडियम सल्फाइट और इसी तरह हमें CO2 सोडियम कार्बोनेट के सल्यूशन से रिएक्शन कराया जाता है। रिमेंबर सल्यूशन ले रहे हैं इसीलिए हमने Na2CO3 के साथ वाटर भी लिया, बिकॉज वी आर यूजिंग द सल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट के सल्यूशन में जब SO2 गैस कंबाइन होती है, मिक्स होती है तो वो बनाती है सोडियम बाय सल्फाइट और साथ में रिलीज होंगे एफोवेसेंस ऑफ CO2। CO2 गैस रिलीज होगी लगातार। तो गाइज ये रिएक्शंस आपके फर्स्ट 3 रिएक्शंस एसिडिक नेचर डिफाइन करते हैं SO2 का। अब हम आते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पर। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो ऑक्सीजन डोनेट कर दे या किसी का हाइड्रोजन रिमूव कर दे वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन में SO2 जो है वो H2S के सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा। कैसे करेगा, इसके साथ वाले सारे हाइड्रोजन निकाल देगा। हेयर वी हैव 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन विद 2 ऑक्सीजन विल गिव्स 2H2O। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास यहां बच रहा है 2 सल्फर और यहां बच रहा है 1 सल्फर। तो टोटल नंबर ऑफ सल्फर हमारे पास जो बच रहे हैं वो 3 है और यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन हो चुका है। अगर हम सेकंड रिएक्शन देखें तो यहां पर मैग्नीशियम को ये अपने ऑक्सीजन रिलीज कर देगा तो यहां बन जाएगा 2MgO, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया और फाइनली सल्फर यहां पर सेपरेट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में SO2 ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है। तो दोस्तों ये रिएक्शंस SO2 के हमने स्टार्ट करें, आगे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन पे, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ SO2। देखो यार ये जो रिएक्शंस है ना इसको याद करने की एक बड़ी सिंपल ट्रिक है, अगर ट्रिक फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। ट्रिक ये है कि SO2 का रिएक्शन जब भी हम वाटर के साथ कराते हैं तो SO2 बेसिकली करता यह है कि वाटर के साथ जब ये कंबाइन होगा तो 2 यूनिट्स ऑफ H2O लेते हैं हम लोग, सबसे पहले ये बना देगा H2SO4। यहां से हमारे पास 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहां आ गए, रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन निकल गए और ये 2 हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन का काम कर रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। इसने H2SO4 बना दिया। अब बात ये आती है कि ये जो नेसेंट हाइड्रोजन निकले हैं ना ये रिडक्शन करेंगे, तो जितने भी रिड्यूसिंग रिएक्शन में करने वाला हूं उनमें मुझे सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लिखनी है,
कैसे लिखनी है मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है। सपोज हमें बोला गया, हमें एक रिएक्शन लिखने को बोला गया कि रिडक्शन ऑफ Cl2 बाय SO2, हमें SO2 का यूज करके Cl2 का रिडक्शन करना है। तो गाइस करना यह है कि सबसे पहले तो ये कॉमन इक्वेशन लिख देंगे हम। कॉमन इक्वेशन क्या है, SO2 प्लस 2H2O गिव्स H2SO4 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन। पहले तो हमने कॉमन इक्वेशन लिख दी, अब करना क्या है, ये क्वेश्चन में लिखा है क्या करना है, क्लोरीन का रिडक्शन करना है। तो दोस्तों क्लोरीन का रिडक्शन करने के लिए फर्स्ट स्टेप में जो नेसेंट हाइड्रोजन निकले हैं उन्हीं नेसेंट हाइड्रोजन को मैं सेकंड में ले लेता हूं। मुझे जरूरत नहीं है कि 2 नेसेंट हाइड्रोजन लूं, फिलहाल यहां इस रिएक्शन में रिक्वायरमेंट है 2 की तो 2 ले रहा हूं। 2 हाइड्रोजन विद 2 क्लोरीन विल गिव्स 2HCl, यहां क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। फाइनली हमें कंप्लीट इक्वेशन बनाने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और दोस्तों दोनों इक्वेशन को ऐड करने से पहले इस बात का ध्यान रखना क्या दोनों इक्वेशन में नेसेंट हाइड्रोजन इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो डायरेक्ट आप दोनों को ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इक्वल करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। दोनों इक्वेशन में नेसेंट हाइड्रोजन इक्वल है, यहां लेफ्ट साइड एरो के पहले 2 हाइड्रोजन, यहां एरो के आगे 2 हाइड्रोजन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली अब जो बच रहा है उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हमारे पास बच रहा है SO2, ये SO2 प्लस 2H2O, और नीचे बच रहा है Cl2 एरो के बाद ऊपर लिखा हुआ है H2SO4 और नीचे बच रहा है 2HCl। तो दोस्तों इस तरह क्लोरीन का हमने SO2 का यूज करके रिडक्शन करा दिया। अभी मुझे KMnO4 और K2Cr2O7 का भी रिडक्शन कराना है। तो दोस्तों याद रखना, जब भी रिडक्शन करेंगे तो ये कॉमन इक्वेशन पहले लिखेंगे, फिर क्वेश्चन में जो बोला है वो हम बाद में लिखेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे के रिएक्शंस कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं रिडक्शन के सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर, रिडक्शन ऑफ KMnO4 बाय SO2। कैसे करना है गाइज ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड के लिए। सबसे पहले SO2 के जितने रिड्यूसिंग रिएक्शन है सभी में कॉमन इक्वेशन तो ये यूज करनी है हमें, इसे हम लिखेंगे याद हो जाएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा। मुझे KMnO4 का रिडक्शन करना है तो शुरुआत करूंगा मैं इस कॉमन इक्वेशन के साथ। चलिए तो यहां पर हमने कॉमन इक्वेशन SO2 की लिख दी। अब गाइज KMnO4 की भी एक कॉमन इक्वेशन होती है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको वो याद हो जाएगी जब आप 2-4 बार लिखोगे, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में हम पढ़ते हैं इसे, K2Cr2O7 और KMnO4। तो KMnO4 की जो कॉमन इक्वेशन है एसिडिक मीडियम में वो ये है, ये MnSO4 बनाता है एसिडिक मीडियम में, साथ में बनाएगा 3 यूनिट्स ऑफ H2O और रिलीज करेगा 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अब आप देख सकते हो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए उसने रिलीज करा है नेसेंट ऑक्सीजन। आई होप दिख रहा हो प्रॉपर, यस। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए उसने रिलीज करा है नेसेंट ऑक्सीजन। SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिलीज करा है नेसेंट हाइड्रोजन। तो दोस्तों करना बस इतना है कि एक का निकाला गया नेसेंट हाइड्रोजन और दूसरे के निकाले गए नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड करके वाटर बनाना है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आपने एक बार H2O बना दिया तो अब आप इन 3 इक्वेशंस को ऐड करो, लेकिन ऐड करने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि नेसेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सारी इक्वेशंस में इक्वल हो। कैसे इक्वल करेंगे, इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई। हम लोग देख सकते हैं नेसेंट ऑक्सीजन 5 है, तो मुझे गाइज नीचे भी तो 5 करना पड़ेगा, तो 5 करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो नेसेंट ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, नेसेंट हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5 × 2 = 10, देखो 10 हो जाएंगे, क्योंकि 10 नेसेंट हाइड्रोजन यहां है। तो दोस्तों यहां पर भी तो नेसेंट हाइड्रोजन है, इसे भी 10 करना पड़ेगा। इट मींस दिस इक्वेशन इज अगेन मल्टीप्लाई बाय 5, हमें ये वाली इक्वेशन का भी 5 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ऐड कर देना है। पहले हमने नेसेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब ऐड करने से पहले जो LHS और RHS में कॉमन दिख रहा है उसको कैंसिल कर दो। क्या क्या कॉमन दिख रहा है बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। सबसे पहले सभी नेसेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे, 5 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, 10 नेसेंट हाइड्रोजन कैंसिल। अब इसके बाद
H2SO4 3 है और दोस्तों यहां 5 है, देख सकते हो आप 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा ये कि RHS में मेरे पास बचेंगे 2H2SO4 जो मैं लिखता जा रहा हूं उस पर टिक करता जा रहा हूं। आप लोग एग्जाम में टिक मत करना, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे, इजीली याद रहे। और ये H2SO4 कैंसिल हो चुके हैं ठीक। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि मेरे पास एरो के पहले वाटर मॉलिक्यूल है 10, देखो ना 5 2 10 और एरो के आगे मेरे पास 3 यहां है और 5 यहां है, मतलब 8, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये वाला H2 हम लिख चुके हैं तो ये आ जाएगा 2 units of H2O। गाइज SO2 भी लिख देते हैं, SO2 कितना है हमारे पास, 5 का मल्टीप्लाई कर रहा है तो 5 SO2, ये SO2 लिख दिया हमने, प्लस 2 KMnO4, KMnO4 भी लिख दिया है। तो दोस्तों अब फाइनली हमारे पास एरो के पहले तो कुछ नहीं बच रहा है, अब एरो के आगे देखते हैं क्या क्या बच रहा है। H2SO4 लिख दिया, नाउ K2SO4 और ये MnSO4 बच रहा है, इसको भी लिख दिया, प्लस 2 MnSO4। और दोस्तों इसी के साथ ये एक डिफिकल्ट रिएक्शन माना जाता है, कई स्टूडेंट्स इसे छोड़ देते हैं क्योंकि उनको याद करने में प्रॉब्लम होती है। अगर मैं आपको डायरेक्ट नेट इक्वेशन लिख कर देता ना तो आपको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन गाइज आप लोग इस पैटर्न से याद करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हमने KMnO4 की, पहले हमने SO2 की कॉमन इक्वेशन लिखी, फिर अगर हमें KMnO4 का रिडक्शन करना है ना तो KMnO4 की कॉमन इक्वेशन लिखेंगे, और दोस्तों अगर K2Cr2O7 का करना है तो K2Cr2O7 की कॉमन इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद नेसेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, देन जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड है उसे कैंसिल करेंगे और लास्ट में जो बच रहा है वो लिख देंगे। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली सब कुछ बन जाएगा। तो गाइज इस वीडियो को अगेन एंड अगेन आप बैक करके इस इक्वेशन को कैसे लिखा है एक बार चेक करना, प्रैक्टिस करना। हम नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। दोस्तों K2Cr2O7 से K2Cr2O7 का रिडक्शन बाय SO2 गैस कैसे करना है मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, लेकिन इसे मैं हाफ कंप्लीट करने वाला हूं क्योंकि अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, आप लोग ट्राई जरूर करना, इनकेस अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, हमें कॉमन इक्वेशन लिख देनी है SO2 की। अगर हमें एक SO2 से रिडक्शन करना है तो कॉमन इक्वेशन है SO2 प्लस 2H2O गिव्स H2SO4 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन, ये तो हो गई कॉमन इक्वेशन। अब मुझे रिडक्शन K2Cr2O7 का करना है, तो दोस्तों KMnO4 और K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनकी अपनी अपनी कॉमन इक्वेशन होती है। चलो देखते हैं क्या कॉमन इक्वेशन है। अगेन 3 units of H2SO4 गिव्स, वी विल हैव 4 units of H2SO4, 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हो कि ये मैंने कॉमन इक्वेशन SO2 की लिखी, फिर K2Cr2O7 की लिखी जो बहुत सिंपल है क्योंकि K2Cr2O7 Cr2SO4 होल थ्राइस देता है इन एसिडिक मीडियम। अब फाइनली हम लोगों को करना यह है कि SO2 ने निकाला था नेसेंट हाइड्रोजन और K2Cr2O7 ने निकाला है नेसेंट ऑक्सीजन, इन्हें कंबाइन करके H2O बना देंगे, नेसेंट ऑक्सीजन नेसेंट हाइड्रोजन को बैलेंस करके ऐड कर देना। तो गाइज ये रिएक्शन आगे इसकी नेट इक्वेशन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, तो दोस्तों जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट लो फिर प्रैक्टिस करो। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। गाइज हम आते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन या नेक्स्ट प्रोसेस पर जहां हमें पढ़ना है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2। तो दोस्तों SO2 का ब्लीचिंग एक्शन तभी पॉसिबल है जब मॉइस्चर हो, रिमेंबर इट ओनली टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो सबसे पहले ये याद रखना, ब्लीचिंग एक्शन का मतलब होता है ओरिजिनल कलर को डीकलराइज कर देना, किसी भी तरह के फ्रूट्स फ्लावर्स वेजिटेबल्स मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर जो है अगर इन पर मॉइस्चर है और वहां से SO2 गैस पास हो रही है तो SO2 गैस उस मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेगी, और जब SO2 गैस मॉइस्चर से रिएक्ट करती है, जब SO2 गैस मॉइस्चर से रिएक्ट करती है तो दोस्तों ये बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में रिलीज करती है नेसेंट हाइड्रोजन,
और ये नेसेंट हाइड्रोजन कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर से रिएक्ट करेगा और उस कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर को कर देगा कलरलेस। लेकिन गाइज SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ना, वो हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से होता है। हाइड्रोजन का ऐड होना कहलाता है रिडक्शन। ये होता है रिडक्शन की वजह से, इसीलिए SO2 का ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट नहीं होता, ये होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी कलरलेस। अब होगा ये कि अगर ये टेम्परेरी कलरलेस मैटर अगर वापस एयर से रिएक्ट कर जाता है ना, तो इसका ओरिजिनल कलर धीरे धीरे वापस आना शुरू होगा। तो दोस्तों ये है SO2 का ब्लीचिंग एक्शन, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। SO2 का एक भी रिएक्शन हमें स्किप नहीं करना है। इसी तरह आगे क्लोरीन, ज़ीनॉन कंपाउंड्स, इनके रिएक्शंस तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है हमें। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये SO2 का ब्लीचिंग एक्शन हो गया। कई बार SO2 क्या होता है, कुछ एडिशन कंपाउंड बनाता है। जैसे हमें क्लियर दिया जाएगा, राइट द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ SO2 विथ क्लोरीन। तो गाइज अगर मैं SO2 का रिएक्शन डायरेक्ट क्लोरीन से करके एडिशन कंपाउंड बनाता हूं, तो यहां बन जाएगा SO2Cl2, और SO2Cl2 कहलाता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो दोस्तों ये कहलाता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हां, एक और बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जो कि अभी मैं प्रीवियस रिएक्शंस में स्किप हो गया हम लोगों का। अभी हम लोग रिड्यूसिंग रिएक्शन पढ़ रहे थे गाइज, अभी हम लोग रिड्यूसिंग रिएक्शंस पढ़ रहे थे, तो उसमें एक रिएक्शन स्किप था, तो वो मैं यही करवा देता हूं आप लोगों को। फेरिक का, फेरिक मतलब Fe प्लस 3, फेरिक का फेरस में रिडक्शन बाय SO2। तो दोस्तों करना ये है, इट इज वेरी सिंपल। वी नो दैट SO2 जब H2O से कंबाइन होता है, रिडक्शन जब भी करता है, तो वो बना देता है H2SO4, साथ में रिलीज करता है नेसेंट हाइड्रोजन। बस इस बात का ध्यान रखना, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है। हमारे पास है फेरिक क्लोराइड, मैं फेरिक का कोई भी कंपाउंड ले सकता हूं जहां पे आयरन पे प्लस 3 चार्ज है। मैं फेरिक क्लोराइड ले रहा हूं और मुझे फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करना है जहां आयरन पे प्लस 2 चार्ज हो। तो ऐसा करने के लिए मैं काम ये कर रहा हूं, मैं FeCl3 2 ले लेता हूं। 2 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां पे 2 FeCl3 देगा 2 FeCl2। वी हैव 6 क्लोरीन, यहां 6 क्लोरीन है और यहां 4 है, कितने क्लोरीन हमारे कम हो चुके हैं, 2। तो जितने क्लोरीन कम हुए उनको नेसेंट हाइड्रोजन जो निकल रहा था उसके साथ कंबाइन कर दिया, तो उसने HCl बना दिया। इस तरह फेरिक जो होता है ना, वो फेरिक का हमने रिडक्शन करा और फेरिक को कन्वर्ट कर दिया, फेरिक को कन्वर्ट कर दिया फेरस में। तो गाइज ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसको आयनिक फॉर्म में पूछा जाएगा तो कंफ्यूज मत होना। FeCl3, देखो सेम रिएक्शन में आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूं, FeCl3 को हम लिख सकते हैं Fe प्लस 3। कितने FeCl3 लिए थे, 2, साथ में SO2 एंड H2O। कितने H2O लिए थे हमने, 2, तो ये दे देगा 2 Fe प्लस 2 प्लस H2SO4, एक एसिड है तो एसिड का सिर्फ SO4 ही लिखता है हम लोग, H2SO4 SO4 माइनस 2 और प्लस यहां पे Cl हटा देंगे तो ये आ जाएगा H पॉजिटिव। तो दोस्तों इस तरह से यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन मैं आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूं। तो गाइज आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, दोनों इक्वेशन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो दोस्तों आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो और यहां पर SO2 के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। स्क्रीनशॉट लो और इसकी प्रैक्टिस करो। It's been a roller coaster, but you stayed, and now I'm